नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ओवल मैदान में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हरा दिया। पहली पारी में भारत ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के शानदार शतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवरों में 50 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 50 ओवरों में 316 रन पर सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के कृपाण चिन्ह वाले विकेट कीपिंग दस्ताने पहनने का अनुरोध खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को अपने बल्ले पर यूनिवर्स बॉस लोगो के इस्तेमाल की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। भारत के 2011 विश्व कप में नायक रहे युवराज सिंह ने सोमवार को बात करने के लिए साउथ मुंबई होटल में मीडिया को बुलाया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि वह संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2019 का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। लाल बजरी पर उन्होंने लगातार तीसरे साल विजेता बनकर जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिकॉर्ड को और पुख्ता कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर गेंद से छेड़छाड़ के विवाद में घिरती नजर आ रही है। मामला वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले का है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रनों का विशाल स्कोर बनाया, लेकिन इस पारी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एडम जाम्पा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें वे जेब सैंड पेपर जैसी चीज निकालकर गेंद पर रगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।